पर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन का रेलवे पर बहुत असर पड़ा है। झारखंड में भी कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई के स्टॉप बदले गए हैं। पटना धनबाद और धनबाद पटना एक्सप्रेस रद्द की गई है। धनबाद डेरी ऑनसन कोडरमा में ही रुक जाएगी। आसनसोल वाराणसी एक्सप्रेस गोमो तक ही चलेगी। बरकाकाना वाराणसी बरवाड़ी तक जाएगी बरकाकाना डेरी आसनसोल ट्रेन। आपको बताएं कि ये सारी चीजें, ये जो बदलाव किए गए हैं, ये जो ट्रेन रद्द की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ही। अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार लेकर आई है 4 सालों की सैन्य सेवा के लिए, उसे लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा अभ्यर्थियों का। हम आपको धनबाद लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिलीप, देखिए ये अग्निपथ स्कीम जो है, ये अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे जो भी इस सेवा के लिए आगे आते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर विरोध है कि 4 साल के लिए अगर ये दी जा रही है अगर ये नौकरी, तो ये रोजगार का हनन है। और इसी का विरोध प्रदर्शन बिहार में तो बहुत ज्यादा क्षति हुई है रेलवे को, झारखंड में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। देखिए बिल्कुल, झारखंड में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो छात्रों का गुस्सा है वो सीधे केंद्र सरकार के इस योजना पे, इस नीति के खिलाफ गुस्सा है। देखिए कई छात्र ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सुदूर इलाके में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें लगता है कि वो अगर अपने आप को फिट रखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आर्मी मैन कहलाएंगे, भारतीय सेना कहलाएंगे, भारत के लिए वो कहीं ना कहीं सीमा पे चौकसी में लड़ाई लड़ेंगे, फिर देश में जो गतिविधियाँ होती उनको रोकने में कारगर साबित होगा। ऐसे में सरकार ने जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली को लेकर के जो 4 साल की समय सीमा की, आप 4 साल को लेकर नौकरी करेंगे उसके बाद 1 मुश्त 11 लाख रुपये, इसका वो विरोध कर रहे हैं। वो सही मान रहे हैं कहीं ना कहीं ये योजना एक नौकरी को समाप्त करने की योजना है, क्योंकि लोगों को लगता है, छात्रों को लगता है अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो अपने आप को फिट करके आर्मी की बहाली में वो सेलेक्ट हो जाएंगे, और कम से कम 15 साल से 20 साल तक जो आर्मी नौकरी देती है उस वो अपने कैरियर को सुरक्षित रखेंगे, चाहे घर हो, परिवार हो, उसको सुरक्षित रखेंगे। और जिस तरह से सरकार ने ये फैसले लिए कि 4 साल की बहाली होगी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर कहलाएंगे, इसका वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया गया और झारखंड में भी विरोध के स्वर मुखर हुए हैं, लोग सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किए। धनबाद में भी रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया, हालांकि कई घंटे मुशक्कत के बाद जो आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान, उन्होंने रेलवे ट्रैक को खाली कराया और कई ट्रेन को कैंसिल किया गया है, कई ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया। इस वक्त हम धनबाद के रेलवे स्टेशन में देखिए कई लोग अपने जो इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का कि वो आएंगे तो यहाँ से निकलेंगे, लेकिन ऐसी स्थितियाँ नहीं बन पा रही है। और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन के बाहर, स्टेशन के अंदर, सड़क के आसपास, जो भी रेलवे का जो कैंप या फिर रेलवे का जहाँ तक दायरा है वहाँ पे रेलवे ने अपनी सुरक्षा फोर्स आरपीएफ और जीआरपी को तैनात कर रखा है। देखिए हम सबसे बड़ी बात, आखिर ये विरोध क्यों रहा, कुछ युवा है हमारे साथ, हम इनसे जानेंगे और इनसे समझेंगे, क्योंकि आज के विरोध प्रदर्शन में ये शामिल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि सरकार ने जो योजना बनाई है कहीं ना कहीं युवाओं को छलने के काम करी। आप बताइए, सरकार कह रही है कि बहुत बड़ी योजना है अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बहाल होंगे और ऐसे लोगों को मौका मिलेगा आर्मी में जाने का जो कहीं से भी आर्मी को लेकर के सोचते नहीं है, क्या कहेंगे? सरकार जो भी योजना फिलहाल आ रही है या सोच रही है वो युवाओं के लिए हक में नहीं है। सरकार कुछ ही दिन पहले वो अपना रिट्वीट करके बोली कि रेलवे में नहीं, पूरे भर्ती में 1.5 साल में 10 लाख लोगों को भर्ती किया जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। आज थोड़े वो पोस्ट खाली हो गया, आज 8 साल में अभी तक 2 लाख भी वैकेंसी पूरा नहीं हुआ, तो 1.5 साल में क्यों ऐसा 10 लाख पोस्ट भर लिया जाएगा? ये जनता को और भविष्य लड़कों को बर्बाद किया जा रहा है। सीधे मानसा यह है मोदी जी को कि हमको किसी को देना नहीं है, जॉब किसी को नहीं देना है, खाली उनको भरम कर करके हम अपने कुर्सी को बचा करके रखे ताकि अगला बार भी हम लोग चुनाव लड़े। जो योजना लाई है कि 4 साल आर्मी में, बिल्कुल ये गलत है। 4 साल के बाद वो अपने आप कैरियर में फिर क्या करेंगे आगे चल करके? पूरा तो जो रहेगा, जो अपना मेहनत सारा चीज करके अभी वो अपना टाइम इन्वेस्ट करके उसमें जाएंगे, 4 साल सेवा देंगे, उसके बाद फिर और लाइफ उम्र पूरा उम्र क्या कर पाएंगे अपने आप? 4 साल नौकरी के बाद वो क्या कर पाएंगे? क्या लगता है आपको, इस योजना का विरोध कितना सही है, क्या आप मांग करेंगे? बिल्कुल सही है सर, जो पुराना ही है वही रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 4 साल के बाद फिर क्या करेगा लोग? देखिए जिस तरह से ये युवा विरोध नहीं कर रहे, प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका साफ तौर पे कहना है कि लोग आप एक लिस्ट निकालेंगे, आर्मी की जब बहाली होती है तो ग्रामीण क्षेत्र के युवा
ज़्यादातर शामिल होते हैं, उन्हें लगता है कि वो आर्मी में बड़े आसानी से मेहनत करके बॉडी फिट करके वो नौकरी पा लेंगे, और ऐसे में चार साल के बाद अगर वो 21 साल से कम उम्र के हैं और इस अग्निवीर बनते हैं, अग्निपथ योजना के तहत सरकार से जुड़ते हैं, और 21 और 4 25 साल हो जाएगा, और इस चार साल के बाद ना तो किसी दूसरे चीज की तैयारी कर सकते हैं, और इन चार साल में बाद ना और किसी फील्ड में वो जा सकते हैं। अभ्यर्थी है, उनका अपना तर्क है कि सरकार अगर ये योजना लेकर आई है तो ये इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उनका कहना है कि जो पहले से चली आ रही है, जो नियुक्ति जिस तरह से भर्ती की जाती थी वैसे ही की जानी चाहिए सेना में भर्ती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम बातचीत के लिए आपका। तो अग्निपथ योजना पर बवाल है पूरे देश भर में, बिहार में तो बवाल मचा रखा है अभ्यर्थियों ने, झारखंड में भी इसकी आग पहुंच चुकी है, और इसी विरोध को देखते हुए कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई के स्टॉपेज बदले गए हैं, और कई बताएं आपको इसकी वजह से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार ये स्कीम लेकर आई है अग्निपथ स्कीम, जिसमें जो सेना में भर्ती किए जाएंगे उन्हें अग्निवीर के तौर पर जाना जाएगा, लेकिन ये सेवा सिर्फ 4 सालों की होगी, और इसके बाद उनमें से 25% अभ्यर्थियों को आगे सेना में बहाली के लिए प्राथमिकता उन्हें भर्ती लिया जाएगा, बाकियों को समय अवधि खत्म होने पर 11 लाख का पैकेज देकर विदा किया जाएगा। और इसी टर्म्स एंड कंडीशंस का विरोध हो रहा है, इस 4 साल का और इस पूरे पॉलिसी का। अब इसे लेकर ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में है, और इसकी वजह से रेलवे को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।